कैसी लग रही है बस पहले तो भाई बहुत बढ़िया मैं तभी तो चली मुझे जाना कहीं और मैं जा इसमें रही हूँ पैदल आते हैं अपने स्टैंड तक बस स्टैंड तक पैदल आना पड़ता है क्या इस बस अगर ये बस चलती है लगातार तो इससे फायदा होगा जी हाँ ज्यादा दूर जाना पड़ता था निकलिए सही है गोयल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव है। तो भाई दिल्ली सरकार ने एक नई बस लॉन्च की है और बस का नाम है मोहल्ला बस। जी हाँ आपने मोहल्ला क्लिनिक सुना होगा लेकिन अब दिल्ली सरकार ने मोहल्ला बस भी लॉन्च कर दी है। अब ये जो बाकी बसेस दिल्ली में चल रही हैं उससे कैसे अलग है क्या इसका रूट है बस यही बताने के लिए आज आए हैं दिल्ली के अक्षरधाम में। अक्षरधाम मंदिर के पास ये बस स्टॉप है और यहाँ से ये बस चालू होने वाली है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये ग्रीन कलर की बस है जो मोहल्ला बस के नाम से चलाई जानी है। तो आज हम इस बस में सवार होंगे इस बस के रूट पे जाएंगे जो अक्षरधाम से मयूर विहार फेज 3 में जाता है और आपको दिखाएंगे अंदर से भी कि क्या खास है इस बस के अंदर लोगों से भी बातचीत करेंगे। हमारे अभी हमने स्टार्ट ही किया है तो अभी धीरे धीरे जो भी पैसेंजर्स यहाँ पर आएंगे उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आपको मैं दिखा दूँ अभी बस पूरी खाली है तो हमारी जर्नी शुरू हो रही है हमारे ड्राइवर साहब एकदम रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं राइड और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को इस मोहल्ला बस से कितना फायदा हो रहा है। ये अभी कुछ तकरीबन 22-23 सीट की कैपेसिटी मुझे नजर आ रही है कितने रूट्स हैं क्या है सब आपको बताएंगे इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं। अमर जी पहले बताओ कहाँ से चढ़े हो बस में? मैं तो यही चढ़ी चांद सिनेमा से बेटा। ये बताइए पहले आपके इस रूट पे चलती थी क्या ये बस? नहीं तो नहीं नहीं बस चली है। हाँ नहीं चली है। कैसी लग रही है बस पहले तो बताओ? बहुत बढ़िया एम बिहारी सॉरी बहुत ही बढ़िया लग रही है। तभी तो चली मुझे जाना कहीं और मैं जा इसमें रही हूँ जाना कहीं और है तो इसमें क्यों चढ़ गए? तो अभी मैं वहाँ उतरूंगी ना फिर दूसरी पकड़ लूंगी बेटा अब क्या करूँ। बस देखने के लिए चढ़े हो? मैं सोच मैं तो बैठ के देखूंगी कौन चढ़ी है। दिल्ली सरकार ने नई बस चलाई है चल गई तो नहीं चल करेंगे इसी में फेज 3 तक जा रही है ना। हाँ तो फिर जा करेंगे हम मेरी ड्यूटी है वहीं पर। हाँ वहीं है पेपर मार्केट के दौर। पहले कैसे जाते थे जब ये बस नहीं चल रही? यही जो नई पुरानी चल रही इनमें चल जाती थी कभी मेट्रो में छोटी वाली जो हरी वाली है और बस इन्हीं में जाती थी मैं बस। अच्छा तो दिल्ली सरकार अभी एक हफ्ते के लिए बस चला रही है देखने के लिए कि लोगों को कितनी सुविधा मिलती है तो चलनी चाहिए आपके हिसाब से बस ये? और बेटा चलनी तो चाहिए ही बताओ सुविधा होगी बहुत ज़्यादा चलता है पहले से बस। हाँ जी वो हो चुकी है बिल्कुल उनमें है ही नहीं कुछ उनमें तो बहुत गर्मी लगती है जान निकल जाती है नहीं बहुत है उनमें तो पुरानी हो चुकी है और मैं बिल्कुल नहीं बैठो मन करता अब सोचा इनमें बैठो या हरी वाली में या एक और आ रही नई वाली लीली वाली उनमें बस मन करता बैठो। अच्छा जैसे ये मोहल्ला बस चलाई है इन्होंने तो कह रहे गली गली मोहल्ले मोहल्ले से लोगों को लेंगे क्योंकि जो बड़ी बसें हैं वो अंदर नहीं आ पाती हैं दिल्ली में छोटे रास्ते हैं तो इससे तो सुविधा होगी और वो तो होनी तो चाहिए बेटा सुविधा नहीं। हाँ जी आपको कैसी लग रही है बस पहली? अच्छी लग रही है बहन कुछ लग रहा है कि सुविधा होगी इस बस? हाँ हाँ क्यों नहीं लग रही कह रहे हैं कि ये छोटी बसेज हैं इसे मोहल्ला मोहल्ला लेके जाएंगे 10 किलोमीटर के अंदर लेकर जाएंगे सरकार कह रही है। अच्छा कह रही है जब लेके जाएंगे तो और अच्छी सुविधा हो जाएगी। अभी जब नई ऐसी बसेस चलती हैं जब छोटे रास्तों पे तो कैसे चलते हैं? पैदल आते हैं अपने स्टैंड तक बस स्टैंड तक पैदल आना पड़ता है क्या? इस बस अगर ये बस चलती है लगातार तो इससे फायदा होगा जी। आपको लग रहा है सुविधा हो रही है इससे? हाँ जी सुविधा हो रही है। पहली बार बैठे हो आज आप? पहली बार बैठे हैं। कैसी लग रही है बस? अच्छी लग रही है। अच्छा ये बताइए कि अभी तो ये बस ऐसी चलाई है दिल्ली में कुछ दिनों के लिए क्या आपको लगता है कि चलनी चाहिए ये बस? चलनी चाहिए और क्या। आप लोगों को सुविधा है? हाँ सुविधा है। कहाँ कहाँ जा रहे हो आप? हाँ मैं फेज 3 जा रही हूँ खोड़ा फेज 3। रोज जाते हैं? रोज जाते हैं। ड्यूटी है? हाँ। तो अगर बस चलती है तो रोज का फायदा? हाँ रोज का। बस नहीं रहती है तो कैसे जाते हैं? बसों से जाते हैं छोटी से कभी बड़ी से। तो ये जो मोहल्ला बस है बेसिकली इसको थोड़ा छोटा बनाया आप ये देख रहे हो मेरे साइड से एक नीली वाली बस जा रही है तो ये वाले जो बसेस हैं ये दिल्ली में चलती ही हैं बट लेकिन ये बिगर साइजेस बसेस हैं और लॉन्ग रूट्स पे चलती हैं तो ये जो मोहल्ला बस है इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि छोटे जो रास्ते हैं ना दिल्ली के छोटे गली आप मोहल्ले हैं आपको पता ही है तो वो उन रास्तों पे ये बस इजीली जा सके और लोगों को मैक्सिमम रीच मिल सके पब्लिक सर्विस का तो इसलिए जो बस है बेसिकली उसका पर्पस है। बट लेकिन अगर आप बस देखें तो उसको इतना लोकल नहीं बनाया गया बस पहली बात एसी बस है इलेक्ट्रिक बस है अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरा स्पेसिफिकेशन है वरिष्ठ नागरिक सीट महिला
नेत्रहीन। और अगर आप आगे भी इसके स्पेसिफिकेशंस देखो तो भी मैं दिखाऊँ आपको कैमरा टर्न करके, तो आप देखोगे कि गेट्स पूरे क्लोज हैं प्रॉपरली, पैनिक बटन यहाँ पर है, अगर आप ड्राइवर सीट के आगे देखेंगे तो कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है, इमरजेंसी एग्जिट इस बस में है, और मतलब सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो एक DTC बस में प्रोवाइड होती हैं वो इस बस में है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लोकल टाइप का बस है या कुछ है, सर्विस बहुत अप्रोप्रिएट है बस की, और पैसेंजर से भी हमने अभी कुछ बात की उनके लिए भी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये ट्रायल रन वाली बस है, अभी ये 7 दिनों के लिए दिल्ली सरकार चला रही है, रूट्स को इवेल्युएट करने के लिए कितना यूजफुल ये बस होने वाली है ये समझने के लिए अभी ट्रायल रन चल रहा है। अगर ये सक्सेस होता है तो ये बस कंटिन्यू होगी। तो यही जानने के लिए हमने लोगों से भी बातचीत किया कि सर्विस को उनके लिए वो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ और लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए, ये बस कुछ दिनों के लिए चलाई जा रही है देखने के लिए कि कितनी ज़रूरत इस बस की है, तो आपके हिसाब से चलनी चाहिए? फिलहाल तो अभी हमने पहली बार बैठे हैं इसलिए अभी तो ठीक है, बाकी आगे देखो क्या होता है। आपको कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नोएडा ही जा रहे हैं, फेस 3 जा रहे हैं। अच्छा, पहले जाना होता तो कैसे जाते थे? पहले भी बस ही जाते थे, लेकिन इसका माहौल अलग है, उसका अलग था। जो रेगुलर बसेस थी उसमें जाते थे। ये बस ज़्यादा अंदर तक अवेलेबल है, उस बस के लिए ज़्यादा दूर जाना पड़ता था स्टॉप पे? हाँ, ज़्यादा दूर जाना पड़ता था, निकलिए सही है। तो इस बस के जो कंडक्टर साहब हैं वो हमारे साथ हैं, थोड़ी और डिटेल्स जान लेते हैं बस के बारे में, रूट के बारे में। तो भैया पहले तो ये बताइए कि किस किस रूट पर ये बस चल रही है, कब से शुरू हुई, क्या है, हमें थोड़ा बताइए। ये कल से चालू हुई है, परसों से, और ये पेपर मंडी मयूर विहार फेस 3 से अक्षरधाम के लिए, ये यहाँ से मयूर विहार से होती हुई तल्यानपुरी दल्लूपुरा होती हुई आपका ये अक्षरधाम फेस 1 होती हुई जाती है, 26 नंबर तिल्लोतपुरी 26 नंबर होती हुई अक्षरधाम के लिए जाती है। अच्छा, जो नीली वाली बस चल रही है उससे कैसे अलग है फिर, ये इन रूट्स पे वो बस नहीं चल रही है? नहीं, वो बसें बड़ी हैं काफ़ी, वो 12 फीट ही हैं, ये 9 फीट है, ये कहीं पे भी मुड़ सकती है, मोड़ने में भी आसानी है इनके लिए, और ये मोहल्ला बस हैं, गली वगैरह में भी जा सकती हैं, वो बड़ी बस हैं वो नहीं जा सकती। इस बस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर एक स्टॉप लिखा हुआ है, तो हम भी सोच रहे थे कि स्टॉप बटन क्या है, बट एक्चुअली जब आप इस स्टॉप बटन को प्रेस करोगे तो ड्राइवर सीट के पास जो डिस्प्ले लगा हुआ है वहाँ पर ड्राइवर को पता चल जाएगा कि पैसेंजर को रुकना है अगले स्टॉप पर, और वहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि भैया भैया स्टॉप निकल गया रोक दो वाला। तो आपको दिखाती हूँ मैं कैसे होता है, ये स्टॉप बटन प्रेस किया एंड आप वहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो मोहल्ला बस में हमारी जर्नी तो पूरी हो गई है, अक्षरधाम से हम चले थे और आधे घंटे में हम पहुंच गए हैं मयूर विहार फेस 3। इस बीच 21 स्टॉप्स यहां पर थे, हमने आपकी कंडक्टर से भी बातचीत करा दी, बता दिया आपको इस बस में कितनी सुविधा है। दिल्ली में जो लोगों को पता चला, जो बस उन्होंने ली, उनसे भी हमने बातचीत की, लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया। अब ये बस चलनी चाहिए या नहीं, दिल्ली सरकार के इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं, कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ABP Live।